हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक है पजल टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंकिंग एग्जाम में जो इसका वेटेज है मिनिमम 10 मार्क्स का, मैक्स टू मैक्स 15 मार्क्स का, इसलिए प्रॉपरली ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले प्रॉपरली रीडिंग कर लेते पजल को, फिर समझे कि इस पजल में एक्चुअली बोला क्या गया। ठीक है, देखिए, 8 फ्रेंड्स दिए गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सेट अराउंड अ सर्कुलर टेबल इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम आर फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर व्हाइल रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर। एक सर्कल में टोटल 8 पर्सन बैठे हुए हैं, कुछ 4 पर्सन जो इसमें से वो इनसाइड देख रहे हैं और 4 पर्सन जो है आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, कभी भी याद रखिए पजल सॉल्व करते समय हमेशा दो पॉसिबिलिटी लीजिए। अगर आपकी एक पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई तो सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी बैठ जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, वो सेकंड पॉसिबिलिटी। अभी देखिए, जी एंड सी फेस सेम डायरेक्शन, जी और सी जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है। अगर सपोज दोनों नॉर्थ डायरेक्शन फेस करो तो बाकी सारे कहाँ फेस करोगे, ऑपोजिट। देखिए, जी एंड सी फेस सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू डी एंड बी, पर डी और बी के जो है ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, कन्फर्म। उसके बाद क्या हो रहा है, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। देखिए, मैं अगर सपोज बी को इनसाइड फेस कर रहा हूँ और यहाँ पे बी को आउटसाइड फेस कर रहा हूँ तो हो सकता है कि नहीं पॉसिबिलिटी। उसके बाद क्या बोला है, डी एच हु इज सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अभी उसका लेफ्ट और राइट कहाँ हो जाएगा, ये इनसाइड देखिएगा तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। राइट भी बोला है ना फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, डी सिट थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ एच। अभी देखिए, एच को मुझे यहाँ पर आउटसाइड रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बी बैठ चुका है, तो डी यहाँ पर बैठेगा फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में, इधर आ गया। ठीक है, इधर भी डी इधर आ जाएगा और यहाँ पर मुझे डी एच को जो है आउटसाइड फेस कराना पड़ेगा, कन्फर्म। तो क्या बोला है, देखिए, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, डी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ किसके, एच के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एच थोड़ी यहाँ पर ये एच आउट इनसाइड फेस करेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर एच फेस करेगा। ठीक है, यहाँ पर एच जो है आउटसाइड फेस कर रहा है, ओके। उसके बाद क्या बोला है, ए सिट अपोजिट टू डी, ए जो है अपोजिट है किसके, डी के, तो ए इधर आ जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, जी सी थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, जी जो है थर्ड टू राइट है किसके, एफ के। ठीक है, जी सी थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, ओके। उसके बाद क्या बोला है, ई सीट अपोजिट टू सी, ई जो है अपोजिट है किसके, सी के। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, सी जो है इमीडिएट नेबर नहीं किसका, बी का, ओके। और ई किसके अपोजिट है, ई किसके अपोजिट है, सी के। ठीक है, अभी देखिए, सपोज ई सी यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ पर ई आ सकता है, यहाँ पर ई आ सकता है ना, और ई के अपोजिट क्या, सी, तो सी इधर भी आ सकता है, ई तो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अपोजिट में एच ऑलरेडी बैठ चुका है, हो सकता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, जी, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, नॉट मोर देन टू पर्सन सिट बिटवीन, नॉट मोर देन टू पर्सन सिट टुगेदर फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब कम से कम दो लोग एक ही डायरेक्शन फेस कर सकते हैं पर दो से ज़्यादा लोग जो है एक डायरेक्शन फेस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, जी और एफ के जो बीच में दो लोग का गैप है। ठीक है, तो अभी उसके बाद देखिए, सपोज बचा हुआ पर्सन क्या हुआ है, देखिए स्टार्टिंग से एक बार रीड कर लेते प्रॉपरली, जी एंड सी फेस सेम डायरेक्शन में, तो हो गया, डी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, डी जो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच है, एच जो थर्ड टू राइट है किसके, बी का, जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, जी जो थर्ड टू द राइट है किसके, एफ के। अगर सपोज मैं एफ को यहाँ पर रखूँ और जी को यहाँ रखूँ तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जी जो थर्ड टू द राइट है, अगर ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो ये कहाँ फेस कर होगा, आउटसाइड फेस कर रहा होगा ना, तब ये राइट आ रहा है, ओके। देखते हैं पॉसिबिलिटी सही बैठती है, डी इज नॉट इमीडिएट नंबर ऑफ, डी जो है इमीडिएट नेबर नहीं किसका, एफ का। ठीक है, तो जी, तो एफ इधर आ जाएगा और जी इधर आ जाएगा। ठीक है, और जी जो है थर्ड टू द राइट है एफ के, तो एफ कहाँ पे फेस करोगा, इनसाइड फेस करोगा। ठीक है, और जी इधर आ जाएगा, ओके। उसके बाद क्या हो रहा है, जी और सी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, जी और सी सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं और डी बी के अपोजिट फेस कर रहे हैं, डी और बी के, डी और बी एक ही डायरेक्शन फेस कर रहे हैं और जी और सी जो है आउटसाइड, और वो है आउटसाइड फेस कर रहे हैं, जी सी सेम फेस कर रहे हैं और डी बी उनके अपोजिट फेस करें। ठीक है, ये डायरेक्शन प्रॉपरली बन गया हमारा। उसके बाद क्या बोला था, देखिए अभी ए कहाँ, देखिए ए बोला है ना, इसके अंदर ए फेस टूवर्ड द सेंटर, ए जो है कहाँ फेस कर रहा है, टूवर्ड द सेंटर। अभी देखिए ये दोनों सेंटर फेस कर रहे हैं, तो ये कहाँ फेस करोगा, आउटसाइड फेस करोगे, क्योंकि दो से ज़्यादा लोग जो है एक ही डायरेक्शन फेस नहीं करते, इसलिए। ठीक है, बी और ए एक ही डायरेक्शन फेस कर रहा है, सी ई कहाँ फेस कर रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारी पॉसिबिलिटी हो गई सही। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही बैठा है। ठीक है, जी सी सेम डायरेक्शन फेस करें पर डी बी के अपोजिट फेस करें, जी सी सेम डायरेक्शन फेस करें पर डी बी के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, डी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, डी बैठा है, वो भी सही है। एच हु हमेशा सेकंड पर्सन के लिए यूज किया था। ठीक है, एच हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एच किसके थर्ड टू द राइट है, बी के, बी से हमारा स्टार्टिंग जो पॉसिबिलिटी सही बैठती चली गई। ठीक है, जी सी थर्ड टू द राइट ऑफ एफ,
जी जो है थर्ड टू द राइट ऑफ एफ है, और एफ जो है इमीजिएट नेबर ने डी के, इसलिए एफ को यहाँ बिठाया, जी को यहाँ पर बिठा दिया, वो भी सही बैठ गया। एफ डजंट फेस डी आउटसाइड, एफ जो है आउटसाइड फेस नहीं कर रहा था, एफ कहाँ फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है। डी इज नॉट इमीजिएट नेबर ऑफ एफ, डी जो इमीजिएट नेबर नहीं किसका, एफ का इमीजिएट नेबर नहीं है। ए फेस टूवर्ड सेंटर, ए कहाँ फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। नॉट मोर देन 2% सिट फेसिंग, नॉट मोर देन 2% सिट टुगेदर एंड फेसिंग सेम डायरेक्शन, दो लोग कम से कम एक डायरेक्शन फेस कर सकते हैं, अपन दो से ज्यादा लोग एक जगह डायरेक्शन फेस नहीं कर सकते, इसलिए बी एफ अगर दोनों इनसाइड फेस कर रहे थे, इसलिए ई को मुझे आउटसाइड फेस कराना पड़ा, ठीक है। इसी तरह हमारी पॉसिबिलिटी से हो गई, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले जो जो बताते जा रहा था, जो जो पॉइंट्स बताते जा रहे थे, मैंने बाजू में लिखते गया, धीरे धीरे वो पॉइंट्स इसके अंदर इंप्लीमेंट करते गया। आपको भी एग्जाम में दोनों ऐसे ही करना है, और याद रखिए हमेशा एक दो पॉसिबिलिटी मत देखिए, फर्स्ट एंड दो पॉसिबिलिटी हमेशा लीजिए, सिंगल पॉसिबिलिटी में आंसर बिठाने की कोशिश मत करिए, आंसर रॉन्ग होने की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमेशा कितना भी इजी पजल हो, एटलीस्ट दो पॉसिबिलिटी हमेशा लीजिए, ठीक है। बाकी पजल काफी इजी था, अगर आपको इस पजल में कुछ भी डाउट हो या फिर क्वेरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, जय हिंद।